Hello everyone. In last video, we showed that interface of OpenOffice Calci. In that, हमने पूरा टाइटल बार, मेनू बार, जो भी स्टैंडर्ड टूल बार्स है, स्टेटस बार है, तो पूरा इंटरफेस हमने देखा था OpenOffice Calci का, राइट? तो टुडे वी आर क्रिएटिंग अ Calci डॉक्यूमेंट. मतलब हम सिंपल एक बिल क्रिएट करेंगे जिसमें अमाउंट्स होंगे, राइट? वो अमाउंट्स को हम टोटल करेंगे, टैक्स लगा के हम उसका नेट अमाउंट भी निकालेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ ओपन ऑफिस कैलसी. सो हियर वी क्रिएट अ टेबल, राइट? तो सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, ओके. Five, 10 rupees. Second, in 10, 20 rupees. Third one, pencil, quantity, 12 rupees. 5, 4. Notebook, notebook, 5, 55 rupees. Textbook, 2, 120. Okay, so here is the table. हमने एक टेबल क्रिएट कर दिया है, राइट? नाउ अब हम अमाउंट निकालेंगे. सो हियर राइट अमाउंट. अमाउंट निकालेंगे तो हमें पर्टिकुलर जितनी हमने आइटम परचेज की है तो वो आइटम की प्राइस इनटू क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी ली है उसके साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ फॉर्मूला. यहाँ पे आपको इक्वल टू लिखना पड़ेगा. नाउ यहाँ पे हमें प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, राइट? तो तभी हमें अमाउंट मिलेगा. तो क्वांटिटी, देन आफ्टर इनटू एंड डी टू, ओके, प्रेस एंटर. तो हो गया 50. नाउ सारे फॉर्मूला, मतलब सारे आइटम्स में वही आएगा फॉर्मूला, तब इसी को सिलेक्ट करके ऐसे पूरा नीचे तक खींच लो, राइट? तो जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है वो सारी फील्ड में, सारी सेल में अप्लाई हो जाएगा, राइट? नाउ अब हमें टोटल निकालना है. टोटल तो ये जो सारी अमाउंट है उसका हमें सम करना है, राइट? सो इक्वल टू, यहाँ पे आप सम फॉर्मूला यूज करोगे तो सम सिलेक्ट ई टू टू ई सिक्स, सॉरी, E2 to E6 एंड, राइट? तो ये सम हो गया पूरा E2 से लेके E6 तक, राइट? नाउ अब हमें उस पे जो टैक्सेस लगते हैं जैसे 5%, 7%, तो यहाँ पे हम टैक्स लगाते हैं. सो इक्वल टू, जैसे 725 पे हमने 7% टैक्स लगाया, राइट? तो E7 इनटू 7 डिवाइड बाय 100, परसेंट, राइट? तो इसमें टैक्स कितना लगा? 50.75. नाउ अब हमें नेट अमाउंट चाहिए. सो नेट अमाउंट इक्वल टू, नेट अमाउंट कैसे मिलेगा? जो टोटल है और उसमें टैक्स ऐड कर देंगे तो नेट अमाउंट मिल जाएगा, राइट? तो यहाँ पे सिलेक्ट E7, दैट इज टोटल, प्लस जो भी टैक्स है वो, प्रेस एंटर, राइट? तो पूरा हमें ये नेट अमाउंट मिल जाएगा, ओके. नाउ अभी हमने सम किया है सम फॉर्मूला यूज करके, राइट? इसको आप इक्वल टू E2
प्लस ई थ्री, ई फोर, ई फाइव एंड ई सिक्स, राइट 725। तो ये हमें दो तरीके से कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल जो भी सेल है उसको सिलेक्ट करके और सम फॉर्मूला लगा के, राइट। सो इजी हमें सम फॉर्मूला लगेगा डायरेक्टली, वन से ई टू से लेके ई सिक्स को, ई सिक्स तक हम ले लेंगे तो डायरेक्टली सम हो जाएगा, टोटल हमें मिल जाएगा, राइट। देन आफ्टर हमने टैक्स लगाया और ये नेट अमाउंट, राइट। तो ये सिंपल इजी हमने एक बिल क्रिएट कर दिया है इन कैलसी यूजिंग फॉर्मूला, राइट। नाउ अब हम यहां से ए वन से लेके पूरा ई नाइन तक सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। ए वन से लेके ई नाइन तक हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको हम कट कर देंगे, कंट्रोल एक्स से मैंने कट कर दिया और कोई और जगह पे मैं पेस्ट कर देती हूँ, राइट। ये क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे हमने जैसे फॉर्मूला लगाया था सी टू डी टू, राइट। तो ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे चेंज होगा तो ये ऑटोमेटिकली जो फॉर्मूला है वो वही रहेगा, मतलब जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, सम लगाया है, वो वही रहेगा, बट जो भी सेल नेम है वो चेंज हो जाएंगे और वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो सेल नेम ऑटोमेटिकली ले लेंगे और जो भी हमने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ होगा वो भी वो कैलकुलेट कर लेगा, राइट। सो हियर इज द सिंपल बिल क्रिएट इन ओपन ऑफिस कैलसी, राइट। नाउ लेट्स इन बुक। सो जो भी मैंने आपको ये दिखाया तो यहाँ पे पूरा वो कैलकुलेशन है, राइट। इसको हम सेव भी कर लेंगे, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन है, इसको हम सेव कर लेते हैं फाइल में जाके सेव। ये ऑलरेडी सेव है, आप उसको नेम चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो सेव इस करके, जैसे मैंने बिल दिया है शॉपिंग बिल, तो यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा शॉपिंग बिल, राइट। और इसको ओपन करना चाहो तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो, फिर से इसको क्लोज करके, राइट। तो री ओपन भी हो गया। हियर इज द डेवलपर हु डेवलप्ड कैलसी नोबेल वेनिस। तो वो यहाँ पे इन लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट किया था स्टार कैलसी टीम, उसको लिखने से ये पूरे जो पिक्चर्स है और उसके नेम है वो आते थे, राइट। बट अभी नहीं आते, बट पहले उन लोगों ने जब डेवलप्ड किया था तो ये फॉर्मूला वर्क करता था, राइट। आपको एक बार दिखा भी देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सेल पे लिखा स्टार कैलसी, राइट, इट्स नॉट वर्किंग। सो बट एमसीक्यू में अगर आए कि स्टार कैलसी टीम अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, तो जो भी डेवलपर है कैलसी का उसकी पिक्चर्स ओपन होगी, राइट। सो हियर इज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 5। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।